नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 4th of February 2024 के बारे में। 4 फरवरी 2024 का ये दिन आपके जीवन में क्या कुछ लेकर के आ रहा है, कैसे आप इस दिन को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, कैसे अपनी एनर्जीज को और ज्यादा पावरफुल कर सकते हैं और कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को अपने से दूर कर सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। बहुत बार आप सभी के जीवन में ऐसे मूमेंट्स आते होंगे जहां पर प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम है। समय बहुत अच्छा होते हुए भी अच्छी फीलिंग नहीं देता और लाइफ में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ अधूरा सा लगता है। ऐसी इक्वेशंस आपके जीवन में डेफिनेटली कई बार आई भी होंगी और चल भी रही होंगी। हमेशा हम मानते हैं कि ग्रह अच्छा करते हैं और ग्रह हमें मदद करते हैं और इस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम से निकलने का भी रास्ता हमारे पास ही होता है, बट हम कहीं ना कहीं उस रास्ते को समझ नहीं पाते और उस वजह से हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए, आज का दिन भी कुछ इसी तरह का है। आज का दिन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जो ओवर थिंकिंग करते हैं या जो नेगेटिव थॉट्स में ही डूबे रहते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, उनके लिए तो ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अगर आज आपको मौका है कि आप अपने इस दिन को अच्छा करें तो जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वो ज़रूर कर लीजिएगा, उससे आपको पूरा पूरा फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। हमेशा बहुत बार आप सभी ने महसूस किया होगा कि छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ा अफेक्ट कर देती हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपके जीवन में देखने को मिल जाता है। ऐसे में कौन कौन से उपाय आपको करने हैं जो आपके लिए बड़े फायदेमंद रहेंगे, सबसे पहले वो नोट करना शुरू कर दीजिए। देखिए, रविवार का दिन है और रविवार का दिन अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव दिन होना चाहिए, बहुत पावरफुल दिन होता है जो कि आपके ऑरा को बैलेंस करता है। सूर्यदेव से जुड़ा हुआ ये दिन रहता है और सूर्य का सीधा संबंध आपकी आत्मा के साथ होता है। इस वजह से आज अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया तो आप सभी बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करेंगे। इस तरह की योग आज की जो कुंडली है उसमें बनते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरह का ग्रह स्ट्रक्चर चल रहा है आज के दिन में, ये इस तरह की योग यहाँ पर बना रहा है कि बेचैनी, एक उदासी आपके आसपास बनी रहेगी, इस तरह के योग बनते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर किसी से मिलते हैं, आपने किसी के साथ समय स्पेंड किया, आपने अपना 100% भी दिया बट उसके बाद भी सामने वाले ने कोई कमी निकाल दी। जैसे अक्सर शादियों में होता है कि खाना खाने के बाद भी गेस्ट अच्छा बोल करके नहीं जाते, ये आप सभी ने महसूस किया होगा। और इसी वजह से काफ़ी बार दूसरों की मेहनत वो नज़र नहीं आती, मेहनत को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते और यही चीज़ हमारे साथ भी कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई देती है। आज के दिन में 2-3 चीज़ें नोट कर लीजिए क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज़, आज कोशिश करें कि कोई बुक्स ज़रूर पढ़ें, कोई मोटिवेशनल चीज़ें ज़रूर करें, कोई म्यूज़िक अपनी पसंद का जो कि मोटिवेशनल हो, ना कि सैड सॉन्ग लेकर के बैठ जाएं, ऐसी कोई चीज़ जो आपको मोटिवेट करे वो आप ज़रूर करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड चीज़ जो आज के दिन में आपको करनी है, कोशिश करें आज सूरज की धूप को थोड़ा सा ले लें, सुबह सुबह उठ करके थोड़ा सा सूर्यदेव की रोशनी में अपने आप को रखें और उनसे जितनी एनर्जी ले सकते हैं ले लें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के दिन में अगर आपकी हड्डियों में किसी तरह का दर्द हो रहा है, बोन्स में किसी तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है, जॉइंट पेन बढ़ रहा है, थकान ज़्यादा हो रही है, लेजीनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स कि आपका दिन कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव लेकर के जा रहा है। आज के दिन में इन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालना है, अपनी बॉडी को थोड़ा चार्ज करना है, अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करना है तो आपके लिए ये दिन अच्छा रहेगा। सुबह सुबह नहा धोकर के तांबे के लोटे में जल लेकर के सूर्यदेव को जल चढ़ा दें, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ आप सभी क्या कर लें, आज पूरे दिन में भी जब भी पानी पीते हैं तांबे के पात्र का इस्तेमाल करें, तांबे के लोटे में ही जल लें और पिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। या तांबे की कोई भी चीज़ हो तो उसको पानी के बर्तन में रख लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आता हुआ नजर आएगा। आज अपनी मदर के साथ थोड़ा समय ज़रूर बिताइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनके साथ कोई पॉजिटिव चीज़ शेयर करें, उनसे कोई पॉजिटिव चीज़ सीखने की कोशिश करें तो ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा।
किसी विशेष कार्य से बाहर जाना है या कोई भी जरूरी काम आपको करना है या पूरे दिन अगर आपको घर पर भी रहना है तो आज अपने आसपास कलरफुल एनवायरनमेंट बना करके रखिए। मल्टीपल कलर्स के बीच में आप अपने आप को रखें वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाहर भी जाते हैं तो मल्टीपल कलर्स को यूज करके जाएं, लेकर के जाएं, उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आज के दिन में जो एंजल नंबर है वो कौन सा है ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। आज का एंजल नंबर आपका रहेगा 65119। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत पॉजिटिव नंबर है और आज ये नंबर आपके अंदर एक एनर्जी को बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपको सैडनेस से बचाएगा, उदासीनता से बचाएगा और आपको मोटिवेट करने की कोशिश जरूर करेगा। आज के दिन में जो अफर्मेशन आपको इस्तेमाल करना है वो कौन सा अफर्मेशन है ये भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आज का अफर्मेशन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आज का अफर्मेशन है आज आप जब ये अफर्मेशन बोलेंगे कोशिश करें कि अपने आप को मिरर में देखें या अपने आप को रियलाइज करें और उसके बाद आप इस अफर्मेशन को आज बोलने की कोशिश करिएगा। I see myself complete and balanced, ये आपको बोलना है। उम्मीद करता हूं जब आप इस अफर्मेशन को बोलेंगे तो आप ये समझेंगे कि आप उस लेवल पे अपने आप को देख रहे हैं, उस लेवल पे अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आज के दिन में अगर आपका जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण दिन है, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव ईयर होने वाला है, इस तरह के योग दिखाई दे रहे हैं। आप सभी के मन की इच्छाएं पूरी होंगी और आप सभी को मेहनत का परिणाम मिलता हुआ नजर आएगा। सरकारी नौकरी के लिए समय काफी ज्यादा अच्छा है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समय काफी ज्यादा अच्छा जाता हुआ दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए आने वाला साल ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। रविवार का ये दिन राशियों में यहां पर बात कर ली जाए तो कर्क राशि और मकर राशि, कुंभ राशि आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला दिन रहेगा, बाकी सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर नंबर्स में बात कर ली जाए तो नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 8 को थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की जरूरत है, आपको कोई परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है। अल्फाबेट्स में देखा जाए तो अल्फाबेट्स में जी, जे, एम, पी, टी और वी, आप सभी को किसी तरह की कोई परेशानी देखने को मिल सकती है, आपको भी थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की जरूरत है। आज के दिन में वैदिक वर्ड की अगर हम यहां पर बात करें तो आपको ओम शब्द का उच्चारण जरूर करना है। आप जब भी फ्री बैठे गहरी सांस लेकर के शांत वातावरण में अपने आप को मौन रख करके ओम का उच्चारण अपने मन में चलने दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज अगर हम बात करें बहुत ज्यादा अच्छा समय कौन सा रहेगा इसकी, तो आज के दिन में आप सभी को दोपहर 1 बजे से लेकर के 2 बजे के समय को इस्तेमाल करना है। ये समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और इस समय में आप अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव बना के रखिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि रविवार का ये दिन आपके लिए शानदार जाए और आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले। इसी के साथ साथ संडे के दिन में मेडिटेशन करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि संडे को अगर मेडिटेशन नहीं किया तो फायदा नहीं मिल पाएगा। मेडिटेशन में आपको क्या करना है ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। आप सभी को आज के दिन में किसी भी शांत जगह पर बैठ जाना है, कभी भी जब भी आपको मौका मिल जाए और कहीं पर भी जहां आपको जगह मिल जाए आप बैठ जाइए और जैसे मैंने अभी भी कहा, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके ओम के उच्चारण को करते हुए खो जाइए। जहां आपका समय और आपका थॉट आपको लेकर के जाए वहां आप चले जाइए, बस उस ओम के उच्चारण को मत रोकिएगा और कम से कम कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट अपने आप को ध्यान की अवस्था में रखे रहें ताकि आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहे और आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले। उम्मीद करता हूं कि ये दिन आपके लिए खुशियां लेकर के आए और आपकी सारी परेशानियां दूर करे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।